फिल्म शुभ संदेश जिसे आप देखने जा रहे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल पर आधारित है। इस फिल्म का उद्देश्य किसी को किसी धर्म संस्था या संप्रदाय का सदस्य बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना और उद्धार के मार्ग को प्रस्तुत करना है। अपनी आंखें उठाकर आकाश की ओर देखो। किसने उसकी रचना की है? वो इन सभी तारों को गिन गिन कर फैलाता और इन सब को नाम से जानता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? परमेश्वर अनादि और अनंत है। उसकी बुद्धि एवं शक्ति असीम है। ऐसे परमेश्वर की तुलना भला किससे की जा सकती है? किस मूर्ति से उसकी तुलना करोगी? जिस परमेश्वर ने सारे ग्रह नक्षत्र समस्त ब्रह्मांड को बनाया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। उसे किसी चीज की या बात की कमी नहीं कि वो मनुष्यों से अपनी सेवा करवाए। वो तो स्वयं सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। इसीलिए हमें अपनी ही कल्पना और कारीगरी से बनाई गई सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति को परमेश्वर नहीं समझना चाहिए। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। संसार की समस्त वस्तुएं परमेश्वर द्वारा रची गई थीं। परमेश्वर ने ज्योति और अंधकार, भूमि और समुद्र को बनाया। उसने पृथ्वी पर घास और पेड़ पौधों को उगाया। और रात को ज्योति देने के लिए चांद बनाया। उसने तारों को भी बनाया। फिर परमेश्वर ने जाति के अनुसार हर प्रकार के जीवित प्राणी, पालतू पशु और रेंगने वाले जंतुओं को भी बनाया। अंत में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। उसने मनुष्य की रचना भूमि की मिट्टी से की और उसमें जीवन की सांस फूंककर उसे जीवित प्राणी बना दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पुत्र और पुत्री बनाने के लिए उसकी सृष्टि की। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को हर तरह की आशीषें भी दी। परंतु मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। मनुष्यों ने ना तो उसकी आराधना की, ना ही उसकी आज्ञा को मानना चाहा। मनुष्य ने बुरा किया और बिगड़ता ही चला गया। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। सब के सब भटक गए और निकम्मे बन गए। वे शांति के मार्ग को नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नकार दिया है। वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, व्यभिचार, लोभ और बैर भाव से भर गए। वे डाह, हत्या, झगड़े, छल और बुरी बुरी भावनाओं से भर गए। वे सब प्रकार के चुगलखोर, बदनाम करने वाले,
दूसरों का अनादर करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, विवेकहीन, विश्वासघाती, कठोर और निर्दयी हो गए। पाप के कारण सभी मनुष्यों को मरना पड़ता है और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मनुष्यों को न्याय का सामना करना पड़ता है और हमेशा के लिए नरक में दंड भोगना पड़ता है। फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मनुष्य बना और उसने इसराइल देश के बैतलहम गांव में जन्म लिया। यीशु परमेश्वर के अनुग्रह में बुद्धि से परिपूर्ण होकर बड़ा होता गया। जब यीशु लगभग 30 साल का हुआ तब वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने लगा। उसने इसराइल में यर्दन नदी के आसपास यहूदा क्षेत्र और गलील के शहरों गांवों में प्रचार किया। उसने कहा, अपने अपने पापों पर पश्चाताप करो और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य जल्द ही आ रहा है। जहाँ कहीं वो जाता भीड़ की भीड़ उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती। यीशु ने कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को पापियों का नाश करने नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए भेजा। इसलिए जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। यीशु ने लोगों की हर तरह की बीमारियों को भी दूर किया। यीशु जहां भी जाता लोग सब तरह के बीमारों को और जो दुखों से जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, जिन्हें मिर्गी और लकवे का रोग था, उसके पास ले आया करते थे और वो उन्हें चंगाई देता था। एक दिन यीशु अपने चेलों और एक बड़ी भीड़ के साथ यरीहो शहर से निकलकर जा रहा था। उसी सड़क के किनारे बर्तिमाई नाम का एक अंधा बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने जब सुना कि यीशु नासरी है तो वो पुकार कर कहने लगा, यीशु, रुकिए प्रभु, रुकिए प्रभु, उसे बुलाओ, यीशु रुके, यीशु, 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 मुझ पर दया कर। बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु मैं देखना चाहता हूं। देखने लगो तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हाँ, मैं दिख सकता हूं, मैं दिख सकता हूं, मैं दिख सकता हूं, मैं दिख सकता हूं प्रभु। वो देखने लगा और उसके पीछे चलने वालों में शामिल हो गया। एक दिन यीशु और उसके चेले गलील नामक एक झील को पार करने के लिए नाव पर सवार हो गए। तभी अचानक भयंकर आंधी आ गई परंतु यीशु नाव में सो रहा था।
शांत रहो, थम जाओ। अब हम बच जाएंगे। तुम्हारा विश्वास कहाँ है? ये कौन है? क्या दियो और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? एक दिन याइर नाम के आदमी ने यीशु के पास आकर विनती की, यीशु, मेरी बेटी को बचा ले, वो मर रही है। वो केवल 12 बरस की है, उसे बचा ले प्रभु, मेहरबानी से मेरे साथ चल। याइर, मुझे बड़ा दुख है। यीशु, तुम्हारी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। डरो मत, केवल विश्वास रखो और वो ठीक हो जाएगी। अपने चेलों के साथ याइर के घर गया। यीशु उस लड़की के माँ बाप और अपने 3 चेलों को लेकर उस कमरे में गया जहाँ लड़की की लाश रखी हुई थी। बेटी, उठो। इसे कुछ खाने को दो और सुनो, ये बात किसी से मत कहना। बहुतों ने इन आश्चर्य कर्मों के कारण यीशु पर विश्वास किया और माना कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और संसार का मुक्तिदाता है। परंतु धार्मिक नेता और महापुरोहितों ने यीशु से घृणा की। उन्होंने महापुरोहित के भवन में सभा बुलाई और यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचा। ऐसा कब तक चलेगा? यह आदमी तो बहुत से अद्भुत काम दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। एक रात जब यीशु हमेशा की तरह उस दिन भी जैतून पहाड़ पर गया और उसके चेले भी साथ थे, महापुरोहित और धार्मिक अगुवे कुछ अधिकारियों और सैनिकों के साथ मशालों और हथियारों को लेकर वहां पहुंच गए। वे यीशु को गिरफ्तार करके ले गए। गिरफ्तार करो। उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, अरे तुझे किसने मारा बता? भविष्यवाणी तो कर, अब तुझे कौन मारेगा? वे यीशु को वहां पुरोहित के पास ले गए जहां धार्मिक नेता और शास्त्री इकट्ठे थे। यीशु की हत्या करने के लिए वे झूठे गवाहों की खोज में थे, परंतु यीशु चुप रहा। अब हमने अपने आप सुन लिया है, उसने बहुत सी झूठे गवाह मिले और यीशु पर आरोप लगाया, पर वे यीशु में कोई दोष पा ना सके। तब महापुरोहित ने यीशु से कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तुम ठीक कहते हो, ये तो परमेश्वर की महिमा का अधिकार है। इसलिए वे यीशु को राज्यपाल पिलातुस के राजभवन में ले गए।
इस मनुष्य ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि मृत्यु दंड दिया जाए। इसलिए मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूं। इसे कोड़े लगाओ। धार्मिक नेताओं ने जनता को उकसाया कि वे यीशु की मृत्यु की मांग करें और जनता जोर जोर से चिल्लाने लगी। हालांकि पिलातुस जानता था कि धार्मिक नेताओं ने ईर्ष्या के कारण यीशु को पकड़वाया है, फिर भी उसे डर था कि कहीं दंगा फसाद ना हो जाए, इसलिए उसने उनकी मांग पूरी की और यीशु को मार डालने के लिए उनके हाथों सौंप दिया। वे यीशु पर क्रूस लादकर उसे यरूशलेम शहर के बाहर उस जगह तक ले गए जिसे खोपड़ी का स्थान कहते हैं और वहां यीशु को दो डाकुओं के बीच क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु ने प्रार्थना करके कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसने औरों को बचाया, अब वो अपने को बचाए तो जाने। अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा। क्रूस से उतरा। हमें अपना एक तो आश्चर्य कर दिखा। Oh,
तीसरे पहर के होते होते यीशु ने दर्द से कराहते हुए कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब शाम हुई, अर्मितिया का यूसुफ नामक एक धार्मिक व्यक्ति राज्यपाल पिलातुस के पास गया और यीशु की लाश मांगी। उसने गुप्त रूप से यीशु पर विश्वास किया था। उन्होंने यीशु की लाश क्रूस पर से उतारकर वहां के रिवाज के अनुसार मसाले के साथ मलमल के कपड़े में लपेटी और उसे पास की कब्र में रख दिया। और कब्र के द्वार पर एक भारी पत्थर लुढ़काकर कब्र को बंद कर दिया। यीशु ने कभी भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया और ना ही उसके मुंह से कोई छल कपट की बात निकली। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें नरक के दंड से बचाकर परमेश्वर के पास वापस ले आने के लिए यीशु हमारे लिए मरा। इसलिए अब जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास करता है, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे और वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ये परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मरे और हमारे स्थान पर हमारी दंड को उठाए। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन रविवार की भोर को कुछ स्त्रियां यीशु की कब्र पर गईं। परंतु जब वे वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है और यीशु की लोथ वहां नहीं है। वे इस बात से भौचकी रह गई। तभी अचानक दो स्वर्गदूत चमकीले वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए और उन्होंने कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है परंतु जी उठा है। याद करो जो उसने गलील में कहा था, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। स्त्रियां डर तो गईं, फिर भी बड़े आनंद के साथ यीशु के चेलों को ये समाचार देने के लिए दौड़ी चली गईं। सुनो सुनो, कब्र का पत्थर हटा हुआ था और जब हम अंदर गईं तो देखा हमारे प्रभु की लौत वहां नहीं है। जब चेलों को उन्होंने घटनाओं का समाचार दिया तो उनको स्त्रियों का कहना परी कथा जैसा लगा। वे इसके बारे में बात कर ही रही थी कि अचानक यीशु स्वयं प्रकट होकर उनके सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों हो रहा है? मेरे हाथ और मेरे पांवों को देखो, देखो ना, मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, भूत प्रेत के हड्डी मांस नहीं होता जैसा कि तुम मुझमें देख रहे हो।
चेले आनंद और आश्चर्य से भर गई। तब यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी, तुम सारी जगत में जाकर ये शुभ संदेश हर एक को बताओ। जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसी का नरक से उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा उस पर उसके पापों के कारण परमेश्वर की ओर से हमेशा के दंड की आज्ञा होगी। यीशु ने जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने जीवित होने के बहुत से प्रमाण अपने चेलों को दिए और उन्हें स्वर्ग के बारे में सिखाया। अपने जीवित हो जाने के 40 दिन बाद यीशु अपने चेलों को साथ लिए शहर के बाहर एक पहाड़ी पर पहुंचा। वहां उसने उन्हें आशीष दी और उनके देखते देखते वो आकाश में ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने यीशु को अपनी गोद में छिपा लिया। यीशु मसीह अब भी जीवित है। वो इस संसार के अंत में फिर आएगा और इस संसार के लोग यीशु को बड़ी महिमा और सामर्थ्य के साथ बादलों में आते देखेंगे। यीशु मसीह जगत का न्याय करने आ रहा है, परंतु प्रभु का आना चोर के समान अचानक होगा। कोई भी उस समय और दिन के बारे में नहीं जानता। उस समय लोग अपने पापों में मस्त और असावधान होंगे। उस दिन सूर्य, चांद, तारे सब भयंकर गर्जना के साथ अंधकार में खो जाएंगे। पृथ्वी और उस पर की रचना जलकर भस्म हो जाएंगी। तब मरे हुए जीवित हो उठेंगे और जीवित लोगों के साथ परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे। चाहे अमीर हो या गरीब, छोटे हो या बड़े, सबका न्याय उनके कामों के अनुसार होगा। परमेश्वर के न्याय के दिन उनका सोना चांदी या उनका धन उन्हें बचा नहीं पाएगा। कायरों, जिन्होंने लोगों के डर से यीशु का इनकार किया, अविश्वासियों, जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, तांत्रिकों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आग की झील यानी नरक में डाल दिया जाएगा। उसकी आग हमेशा जलती रहेगी और वो कभी नहीं बुझेगी। इसमें पापियों को भी हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा।
परंतु जो पृथ्वी पर रहते हुए यीशु पर विश्वास करते थे, वे अपने विश्वास के द्वारा पवित्र ठहराए जा चुके हैं और परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप है। वे हमेशा के स्वर्ग राज्य में अनंत महिमा में प्रवेश करेंगे। जिसे आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो बातें कभी मनुष्य के मन में ही नहीं आई, ऐसी चीजों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर खुद उनके साथ रहेगा और वो परमेश्वर के अपने लोग होंगे। इसके बाद न मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली की सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। जो विश्वास करते हैं वे यीशु मसीह के द्वारा अविनाशी और अमित संपत्ति प्राप्त करेंगे। ये समय जल्दी ही आने वाला है। यदि आप अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनकर अपने बुरे मार्गों से फिरेंगे, तो परमेश्वर आपके पाप क्षमा करेगा और आपको भला चंगा करेगा और आप भी अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इस फिल्म का उद्देश्य किसी को किसी धर्म संस्था या संप्रदाय का सदस्य बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना और उद्धार के मार्ग को प्रस्तुत करना है। हमारी फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों ने बड़े प्रेम से इस फिल्म को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दें।